उस जानवर में जो कि खरीदा हुआ है और वो जो सड़क में है उसमें कोई अंतर नहीं है, बस उसमें एक मानसिकता का अंतर है। और देखिए, ये तो सिर्फ हमको मालूम होता है कि जो कुत्ता है वो कौन सी ब्रीड का होता है, मतलब डॉग को तो ये मालूम ही नहीं है कि वो कौन सी ब्रीड का है। तो ऑल डॉग्स आर सेम। मेरा नाम कस्तूरी बल्लाल है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। वैसे तो मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन जीवों के प्रति मेरी संवेदना बहुत ज़्यादा है। आज से 6 साल पहले जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई थी, तब मेरे सामने रोड पर ही एक ऐसा मुझे एक प्राणी दिखा, एक एनिमल दिखा जो बहुत बुरी तरीके से जख्मी था, और उसे देख के मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने मदद करने की उसकी कोशिश की। धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट कराते कराते वो जो डॉग है वो बेहतर हो गया और उसको हम लोगों ने उसी के एरिया में वापस छोड़ दिया। उस इंसिडेंट के बाद में मुझे कईयों बार इस तरीके के जख्मी घायल अवस्था में अपने ही रायपुर शहर में प्राणी दिखने लग गए और मैं मदद के लिए लोगों के पास जाने लग गई कि कोई संस्था होगी, कोई सरकारी विभाग होगा जो ऐसे सब घायल बीमार जानवरों की मदद करता होगा। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे हर तरह के घायल बीमार जानवरों के लिए काम किया जाता हो। तो फाइनली हमने ये सोचा कि चलिए हम ही शुरुआत करते हैं और 2-3 दोस्त मिलकर एक बहुत छोटा सा रेस्क्यू करने का एक छोटा सा काम स्टार्ट कर दिया। पैरेलल नौकरी भी चलती थी, शाम का जो समय होता था ऑफिस के बाद में उसमें हम 2-4 जो बाहर के एनिमल्स हैं उनमें अपना समय डेडिकेट करने लगे। तो ये जो प्रोसेस है ये 6 साल पहले इसका आगमन चालू हो गया था और बहुत ही छोटे स्तर पे हमने शुरुआत की और सोचे नहीं थे कि इसका रास्ता मंजिल कहाँ होगी, बस हम चलते चले गए। आज की डेट में 6 साल के बाद में 4000 के ऊपर स्ट्रीट एनिमल्स को हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं, ट्रीटमेंट दे चुके हैं। उनमें से जो बहुत क्षतिग्रस्त हालत में होते हैं, जो कभी भी सुधार की जिसमें उम्मीदें नहीं है, केवल वो हमारे वाटिका एनिमल सेंचुरी में उनको आश्रम दिया जाता है। वो जब तक के अपना जीवन उनके भाग्य में लिखा है वो तब तक हमारे साथ में रहते हैं। देखिए, हम सभी के सभी जो हैं हमें जानवरों के प्रति संवेदना रहती है और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर में किसी न किसी एनिमल को पालना चाहते हैं। जब इस बात को हमने समझा तो हमने अडॉप्शन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हम लोगों को ये अवेयर करते हैं कि बजाय आप किसी दुकान में जाके कोई एक एनिमल को परचेस करें, उससे बेहतर है कि आपके घर के आसपास के जो एनिमल्स हैं आप उन्हें गोद लें। और ऐसा करते करते हमने 200 के आसपास एनिमल्स को बहुत ही अच्छे घरों में गोद दिलवाए। जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके प्यार की, उसको घर में लाएं। इस मैसेज से हमने 200 के आसपास डॉग को अडॉप्शन के लिए रेज किया है। तो वाटिका एनिमल सेंचुरी हर एक एनिमल के लिए है और अभी इसका निर्माण धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि हमारी जो संस्था है, जो कार्य हम करते हैं, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की सरकारी अनुदान नहीं है, इसलिए धीरे धीरे ज़रूरत अनुसार बढ़ता है। और अभी हमारे पास में 55 के ऊपर ऐसे डॉग्स हैं जो स्पेशल नीड एनिमल है। ये 55 जो एनिमल्स हैं ये वो उन एनिमल जो बच गए हैं हमारे पास, जो वापस से सड़क पर छोड़ने लायक नहीं थे, तो किसी लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया था इसलिए वो है, किसी का ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया था इस वजह से है, कुछ ऐसे हैं जिनका रोड में एक्सीडेंट होने की वजह से पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी टूट गई इस वजह से है। तो ये स्पेशल नीड एनिमल्स ही वाटिका में होते हैं। अब हमें हमारी जो शेड्स है, जो जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, हमें उनको इनक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वाटिका एनिमल सेंचुरी में आइए, क्योंकि एनिमल्स के पास में आपको देने के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है, वो बहुत खुश होते हैं जब आप लोग उनसे आके मिलते हैं, और इस तरीके से आपका जो वो दिन है वो और भी स्पेशल बन जाता है।